नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और हरियाणा के साथ साथ इंडिया की जो है वो मतगणना के बाद सीटें क्लियर हो चुकी हैं, और ये सीटें ऐसी आई कि कांग्रेस को भी तसल्ली दे गई और बीजेपी को भी कहीं ना कहीं पसीने छूटते छूटते रह गए। फिलहाल बात करेंगे आज हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी मौजूद हैं, और 10 में से 5 को बीजेपी को देकर संतुष्ट किया है हरियाणा ने, और 5 कांग्रेस को दे डाला। यानी कि हरियाणा वालों ने अब की बार जो न्याय किया है, दोनों को आपस में बराबर का बांट करके दिया है। सर, क्या कहेंगे, हरियाणा में जिस तरीके से जब से टिकटें बंटी थी तब से ज्यादा चर्चाओं में हरियाणा, और हरियाणा का ये इलेक्शन काफी ज्यादा रहा था, और लोग मोदी से ज्यादा हरियाणा की हर सीट पे ज्यादा चर्चा कर रहे थे, तो क्या कहेंगे, ये अब की बार क्या माहौल आपको दिखा, और ये हार जीत जो है, लास्ट में एग्जिट पोल भी 7-3 की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो 5-5 का, हरियाणा वालों का एग्जिट पोल तो कुछ और ही निकला। हरियाणा में मोदी जी को एक बड़ा झटका लगा है। मोदी जी को ही नहीं, हरियाणा में भाजपा को भी बहुत बड़ा झटका लगा है कि जिस स्टेट में 10 में से 10 सीटें थी 19 में, और अब ये माना जा रहा था कि 10 में से 7 बीजेपी लेगी, वहाँ 5-5 सीटों का आना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि विधानसभा चुनाव अब थोड़े दिन दूर है, ऐसे में इस वक्त सीटों का भाजपा का हारना और उस पर केंद्र में भाजपा का कमजोर होना, अगर यहाँ 5-5 रह जाती, केंद्र पे भाजपा ज़्यादा मजबूत हो जाती तो डबल इंजन की सरकार कह के चुनाव में नैया पार कर सकते थे। हरियाणा में स्पष्ट तौर पर किसान आंदोलन का असर देखने को मिला है। जिन 5 सीटों पे कांग्रेस जीती है, सिरसा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, अंबाला। आप देखो, अब सिरसा पंजाब से लगा हुआ है, जबरदस्त किसान आंदोलन का असर था। हिसार में पिछले लगभग दसों के दसों सालों से किसान आंदोलन चल रहा है। रोहतक किसान आंदोलन का असर था। सोनीपत में तो मुरथल में 2 साल किसान बैठे ही रहे। जी अंबाला में शंभू बॉर्डर था और उधर से जगाधरी का इलाका, तो वहाँ भी रहा। तो जहाँ किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज था, वहाँ अपवाद को छोड़ के, कुरुक्षेत्र को छोड़ के, कुरुक्षेत्र में भी कारण ये रहा कि अभय सिंह चौटाला, जिन्होंने किसान आंदोलन का सपोर्ट किया था, वो खड़े थे और उन्होंने 70,000 वोट लिया है। इसलिए अभय चौटाला के 70,000 वोट लेने से जी वहाँ 39-30 हजार 30,000 वोटों से, से वो हाँ, जीत गए आपके नवीन नवीन जिंदल, जिंदल क्योंकि जी। नहीं तो सुशील गुप्ता बड़ी आसानी से जीत रहे थे वहाँ चुनाव। तो ये तो देखो, नंबर एक तो भाजपा को ये सोचना पड़ेगा कि हरियाणा पंजाब में बिना किसानों की गाड़ी नहीं चलने वाली, जी और यहाँ का किसान देश के किसानों से अलग है। जी यहाँ का किसान आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक रूप से भी ज़्यादा सुदृढ़ है। तो ऐसे किसान को आप इग्नोर करोगे तो दिक्कत आएगी। अच्छा, जिस तरीके से टिकटें बंटी थी, हुड्डा साहब ने अपने तरीके से टिकटें बांटी, और कहा जा रहा था कि हुड्डा साहब हावी रहे थे, उस तरफ खट्टर साहब ने भी कुछ नए फैसले लिए थे, रणजीत चौटाला की बात करें, अशोक तंवर की बात करें, और भी कई नए नए फैसले लिए गए थे। क्या कहेंगे इस तरीके से जो बीजेपी का ये नया एक्सपेरिमेंट कहें, या फिर हम अम्बाला से शुरुआत करते हैं, अम्बाला। देखो, कांग्रेस की टिकटें एक तरह से हुड्डा ने नहीं बांटी। कांग्रेस ने अब की बार शुरू से कह रखा था, हम एक प्रक्रिया के हिसाब से टिकटें बांटेंगे। राहुल गांधी खुद टिकटों पर नज़र रख रहे थे, और आपने नोट किया होगा कि कांग्रेस की टिकटें उस दिन बंटी थी जिस दिन राहुल गांधी कैंपेन से वापस आ गए थे, उन्होंने आके फाइनल कॉल की थी। जी तो डिफरेंट एजेंसीज को उन्होंने कॉल कर रखा था। हाँ, उस एजेंसीज में हुड्डा खेमे के लोग ज़्यादा प्रेफर किए गए। तो अब अंबाला है, तो अंबाला में वरुण मुलाना के ऊपर सर्वसम्मति थी, जी उनके बराबर का कोई और कैंडिडेट नहीं आ रहा था, तो वरुण मुलाना को टिकट दी। कुरुक्षेत्र टिकट गठबंधन के तहत तो सुशील गुप्ता जी को पहले ही चली गई थी। करनाल में जबकि हैवी वेट थे मनोहर लाल जी, फिर कांग्रेस ने वहाँ युवा को भी आगे लाना बहुत जरूरी समझा। जी उन्होंने एक युवा कांग्रेस का
का जो अध्यक्ष थे राहुल गांधी कहते रहे हैं अभी हर एक स्टेट में एक टिकट यूथ कांग्रेस को देनी चाहिए, तो वो टिकट दिव्यांशु को दे दी गई। और ये अगर मराठा को जाती तो शायद और हो सकता था माहौल। नहीं, एक्चुअली क्या है कि कह तो देते हैं हम लोग, परंतु दिव्यांशु ने चुनाव अच्छे ढंग से लड़ा, उसको समय कम मिला। अगर दिव्यांशु बुद्धिराजा को समय अगर 1.5-2 महीने मिल जाते तो खट्टर साहब को भी बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती थी वहाँ पे। ऐसी बात नहीं है, इतना आसान चुनाव नहीं था उनके लिए। फिर आप सोनीपत में आ जाओ। सोनीपत में हुडा जी के पास कुलदीप शर्मा भी थे और एक दो और भी कैंडिडेट थे, परंतु ब्रह्मचारी को लाया गया क्योंकि वो जींद के रहने वाले थे और जींद जिले के सफीदों के रहने वाले थे और उनका ब्राह्मणों में अच्छा असर था क्योंकि बीजेपी ने वहाँ ब्राह्मण को टिकट दे दिया था, तो कांग्रेस ने भी स्ट्रेटेजिकली वहाँ ब्राह्मण को ही टिकट दिया। अगर और किसी को देते तो जाट नॉन जाट वाले ही वहाँ पे हार जाते, फिर हार जाते। बृजेंद्र सिंह हारते 100% यार। कांग्रेस ने फिर गुड़गांव में आ जो राजबब्बर भी लेट आए थे, परंतु कांग्रेस को लोगों का मूड पता था कि जो मेव वोट है, जो मेव है वहाँ पे, वो कांग्रेस से नाराज है बीजेपी से, और जाट वोट भी साथ क्लब हो गया और एससी वोट भी हो गया। तो आप देखो ना, आधा गिनती तक तो राव इंद्रजीत जैसा स्टालवर्ट ही पीछे चल रहा था, पसीने छुड़ाए रखे राजबब्बर ने, जैसे फिल्मों में होता है हीरो, वैसे हीरो वाला रोल आधी फिल्म में तो करते रहे। हाँ, बाद में जाके राव इंद्रजीत 77,000 से सिर्फ जीते। आप रोहतक में आ जाओ, दीपेंद्र हुड्डा पिछले आप ये मान के चलो कि 3 साल से चुनावी लड़ रहे थे, उन्होंने अपना बड़ी प्लानिंग से काम शुरू कर रखा था और जिस कोसली से वो 70,000 वोटों से पिछली बार हारे थे, अब की बार वहाँ से भी जीते, चाहे कुछ कितने सौ वोटों से या 1,000 से जीते हैं वहाँ। उन्होंने एक शुरू से कंपेन जिस तरह से चला रखा था, तो ये माना जा रहा था कि दीपेंद्र अच्छे मार्जिन से वोट चुनाव जीतेंगे और दीपेंद्र के मुकाबले कांग्रेस के पास कोई और मजबूत कैंडिडेट भी नहीं। दीपेंद्र ने रिस्क भी लिया, वो राज्यसभा के मेंबर, फिर भी उन्होंने अपने आप को दाव पे लगाया और वो देखो आज 3,63,000 से शायद दीपेंद्र चुनाव जीते हैं। जी जी, तो दीपेंद्र की जीत बहुत बड़ी जीत है, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत है 3,21,000 से। और फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप को उतारा गया, महेंद्र प्रताप से ज्यादा अच्छी चॉइस नहीं थी, ये थी कि वहाँ पर शहरी सीट, जब बहुत बड़ी शहरी सीट है वहाँ फरीदाबाद, अपने आप में बहुत ज़्यादा वोट है, तो उसका फायदा भाजपा को मिलना था, जीत गए कृष्ण पाल गुर्जर, परंतु उन्होंने मुकाबला अच्छा किया वहाँ। आप फिर भिवानी महेंद्रगढ़ में आ गए, कांग्रेस के पास राव दान सिंह से अच्छी चॉइस नहीं थी, कांग्रेस ने राव दान सिंह को यहाँ से उतारा। कांग्रेस को ये पता था कि अब की बार जाट और किसान आंदोलन के कारण भिवानी और दादरी जो ओड जिला है उसमें काफ़ी रोष है बीजेपी के प्रति, तो और जो अहिरवाल है वहाँ बीजेपी अच्छा कर सकती है, तो वहाँ उन्होंने दान सिंह को दिया। परंतु भाजपा ने भी अपना सबसे अच्छा कैंडिडेट उतारा धर्मवीर से अच्छा, उनको लगा कि जाटों में रोष है तो जाट कैंडिडेट ही उन्होंने दे दिया। और वैसे भी धर्मवीर 3 बार इस इलाके में MLA रह चुके हैं, 2 बार पहले MP रह चुके हैं, उनके पास अपना एक अच्छा खासा कैडर है और जो उनका अपना कैडर था, उनका व्यवहार था, उसके कारण धर्मवीर भिवानी जिले में अगर कोई और चुनाव लड़ता तो पुराने भिवानी जिले में कम से कम वो 1,00,000 वोटों से हारता, परंतु धर्मवीर सिंह मेघा 3,700 वोटों से हारे हैं पूरे भिवानी जो ओल्ड है, जिसमें दादरी और भिवानी के सभी वो आ जाती हैं। मोदी जी आए चुनाव में, उसका फायदा धर्मवीर जी को मिला, वहाँ पर राव इंद्रजीत का भी, राव इंद्रजीत वाला फायदा ज्यादा नहीं था, राव इंद्रजीत अपनी गद्दी बड़ी मुश्किल बचा पाए। अच्छा, ये अब की बार दीपेंद्र हुड्डा का इस तरीके से जीतना, बात करें वहां से राव इंद्रजीत असर नहीं इतना डलवा पाए और यहाँ से भी राव दान सिंह का आ जाना, तो अब की बार वो अपनी ही सीट पे ज्यादा कोशिश कर रहे थे, यही थी कि नॉमिनेशन पे भी नहीं पहुंचा, हालांकि उन्होंने एक वीडियो जारी किया, तो ऐसी स्थिति थी, वो उलझे हुए तो थे वो। और वैसे भी देखो, जो अहीर बेल्ट है
वो भाजपा माइंडेड है। आप ये देखो, भिवानी महेंद्रगढ़ की 4 सीटें, गुड़गांव की भी 5 सीटें जो अहिरवाल की हैं, टोटल 9 सीटें जिनमें भारतीय जनता पार्टी जीती है। 10वीं सीट थी आपकी कोसली, उसमें 100-200 से दीपेंद्र जीते हैं। तो भाजपा का गढ़ भाजपा माइंडेड है अहिर, और ये तो कांग्रेस ने दान सिंह को उसी कास्ट से उतार दिया, तो इतने ज़्यादा मार्जिन से हार नहीं हुई। टोटल 40,000 से वो 45,000 से अपने पूरे ज़िले में आ रहे हैं। कोई और होता तो वो लाख से ज़्यादा वोटों से हारता। तो अहिर वोट का ज़्यादा वो था, भाजपा ही होने के कारण तो अहिर भी और महेंद्रगढ़ साइड में पूरा ज़िला कहीं ना कहीं मोदी जी का प्रभाव था, तो इसलिए वहाँ से ज़्यादा जीत हुई और वो जीत धर्मवीर की जीत का कारण भी बनी। अच्छा, हिसार की बात कर लें, जेपी का जीतना बड़ा देखो शुरू में टफ लग रहा था, जबकि ऐसे लग रहा था शुरू में कि विजेंद्र को टिकट ना दे के कांग्रेस ने गलत किया है, क्योंकि एक एमपी सिटिंग एमपी का शिफ्ट होना और फिर उसको टिकट ना देना। वही मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस ने जबकि जेपी ये विजेंद्र राहुल गांधी और सोनिया गांधी से बात करके कांग्रेस में आए थे, परंतु कांग्रेस को जब ये बताया गया उन दोनों लीडर्स को भी, जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें जेपी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जेपी रंजीत चौटाला को हरा सकते हैं, और रंजीत चौटाला और तंवर ये दो ऐसे कैंडिडेट भाजपा ने दिए जो एक तरह से मनोहर लाल जी की पसंद थे, तो कह सकते हैं मनोहर लाल खट्टर की ये गलती है। उन्होंने दोनों ऐसे कैंडिडेट दिए और वो एक तरह से थोप दिए गए। रंजीत चौटाला सरसा के रहने वाले थे, उनको हिसार का टिकट दे दिया, और अशोक तंवर नो डाउट वहाँ से एमपी रहे हैं सरसा से, परंतु 3-3 बार पार्टी बदल चुके थे और उनका मूल तो झज्जर साइड से है, तो आप उसको टिकट दे रहे हो, तो लोगों की भावनाओं से अगर आप होके चलोगे तो दिक्कत आएगी। तो विजेंद्र की जगह जब जेपी को टिकट दिया गया तो जेपी ने हिसार की उकलाना, आदमपुर, मोहनीखेड़ा, नारनो, नलवा, उचाना 6 की 6 सीटों पर जीत हासिल की। अब जब इसको टिकट दे रहे थे जेपी को, तो उस टाइम ये ध्यान में रखा गया कि एक तो किसान आंदोलन का फैक्टर है, दूसरा जेपी वहां से पहले एमपी वर्कर था वहां पे, और हिसार सीट पर जेजेपी का बुरी तरह हारना, नैना चौटाला मेरे ख्याल 20,000 वोटों के आसपास रहेगी जी, अगर 20,000 वोटों से वो हार रह गई तो स्वाभाविक है कि एक तरफा वोट पड़ा है, विपक्ष इकट्ठा हो गया, जब भी विपक्ष इकट्ठा हो जाएगा तो कांग्रेस जीतेगी। आप ये देखो ना, कुरुक्षेत्र में भी अगर अभय चौटाला जिन्होंने 60-70,000 वोट लिए हैं, अगर वो ना होते तो अभय चौटाला ठीक है, कांग्रेस उन्होंने किसानों के लिए काम किया, किसानों के लिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, परंतु उस चीज का उन्होंने कैश करवाना चाहा, परंतु उससे अधकचरा काम हो गया, अभी भी हार गए और सुशील गुप्ता भी हार। तो यह कह सकते हैं कि फिलहाल जाट नेता के तौर पर हरियाणा में सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को, अब जब आज की तारीख में जाट नेता के रूप में भूपेंद्र हुड्डा हो रहे हैं, उनको हम ये नहीं कह सकते कि उनसे बड़ा कोई नेता है हरियाणा में जाट उसमें। और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल का दौर शुरू हो रहा है। हरियाणा में 2 नंबर पे कहें तो बड़ा चेहरा शैलजा बन सकती हैं, कांग्रेस में 2 नंबर पे शैलजा, क्योंकि देखो कांग्रेस का वोट बैंक कौन सा था हरियाणा में, जाट और चमार, तो शैलजा अभी बहुत वोटों से जीती हैं और दीपेंद्र भी, हुड्डा के 4 एमपी जीत गए। अब हुड्डा एक बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं और बीजेपी के लिए दिक्कतें शुरू हो गई, क्योंकि बीजेपी जिन 5 सीटों पर जीती है वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे जीती है, ना कि किसी मुद्दे पे जीती है। अब मोदी जी नेशनल लेवल पर कमजोर हो गए, जो चीज अगर वो 400 सीटें ले जाते, अच्छा हरियाणा में 5 सीटें हार भी जाती बीजेपी विधानसभा आराम से निकाल जाती, परंतु देखो 5 सीटों का हारना और सेंटर में बीजेपी का कमजोर होना, ये दोहरी मार है। और मोदी जी के नाम का वोट की देखो, लोकसभा में जो मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है, लोग ये कहते थे कि हम वोट फॉर द नेशन दे रहे हैं,
मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे वोट दे रहे हैं, परंतु तो स्टेट मुद्दों पे तो बीजेपी हारती है। तो बीजेपी के लिए बड़ा टफ टाइम है और कांग्रेस हौसले में रहेगी ज्यादा। तो हरियाणा में कह सकते हैं खट्टर वर्सेस हुड्डा ये इलेक्शन था और खट्टर साहब पिछड़ गए इस मामले में। एक्चुअली आप खट्टर वर्सेस हुड्डा नहीं कह सकते इसको, आप खट्टर वर्सेस किसान आंदोलन। तो किसानों ने ज्यादा कांग्रेस का साथ दिया और उसका, अब देखो ना हरियाणा में दो एससी जीते हैं कांग्रेस के और दो जाट जीते हैं, एक ब्राह्मण जीता है। तो कांग्रेस का जो कम्बिनेशन बना है जीत का वो बहुत अच्छा बन गया, क्योंकि अगर जाट और फिर एससी का कम्बिनेशन आगे भी काम आएगा कांग्रेस के। और कांग्रेस तो ये कहेगी ना भी 36 बिरादरी का हमें साथ मिला है। और भूपेंद्र हुड्डा नो डाउट बड़े लीडर बन के उभरे हैं कांग्रेस में दोबारा से, परंतु ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है किसान आंदोलन के कारण, तो किसानों ने ही हुड्डा को समर्थन दिया। तो ये तो बड़ा मुश्किल बनेगा विधानसभा में तो और ज्यादा इसमें। मैं कह रहा हूँ ना भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे आगे जो आगे दौर शुरू हो रहा है वो बहुत कठिन दौर है। किस प्रकार से भाजपा उसको सुलट पाएगी, बहुत मंथन की जरूरत है। और कांग्रेस बुलंद हौसलों के साथ अब आगे बढ़ेगी तो आने वाला समय देखते हैं क्या होता है। जी तो फिलहाल भाई ये था आज का आकलन। हार जीत फिलहाल दोनों पार्टियों के लिए उतनी ही है जितनी बीजेपी के लिए उतनी कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस की जितनी जीत की खुशी है, हालांकि वो कह सकते हैं काफी दिन बाद होता है तो उस चीज की आपको आधा मिलता है तो भी बड़ी खुशी होती है, और वो आधा पूरे जैसा होता है बल्कि दुगने जैसा होता है। ऐसी स्थिति हरियाणा में नजर आ रही, लेकिन आने वाले वक्त में जो लोग विधानसभा में अब हारे हैं उनको उम्मीदें लग रही हैं कि कांग्रेस की मजबूती या फिर बीजेपी का पिछड़ना ये वजह हो सकती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को या फिर मल्होत्रा जी जो काफी अनुभव है इनको लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस काफी मजबूत हो सकती है आने वाले विधानसभा में। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में आप अपनी राय रख सकते हैं जनता से ज्यादा। मैंने इस इलेक्शन में भी कहा था कि जनता ये इलेक्शन जीती है, इतना टफ मुकाबला रहा और जनता आने वाले वक्त में तय करेगी, तो ये नेता अपने आप सुधर भी जाएंगे। और कई चीजें ऐसी हैं कि नेता आपके हिसाब से चलेंगे, जनता को नेताओं के हिसाब से नहीं चलना पड़ता, बेशक किसी पार्टी का जीते। आप लोग कमेंट में अपनी राय दें इस सीन के बाद, इस मैच के बाद या इस राजनीतिक रण के बाद आप कितने संतुष्ट हैं इससे, मतगणना के बाद, इस रिजल्ट के बाद। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।